हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ डूज एंड डोंट्स माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज के। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी क्लाइंट के आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ऑफ एक डिजीज है उसकी वजह से, जिसका नाम है एलोपेसिया। सो इस डिजीज में क्या होता है, डे बाय डे आपके एक पर्टिकुलर एरिया में से आपके आईब्रोज या फिर आपके हेड या बॉडी के किसी पार्ट में से भी हेयर अपने आप गायब होने लग जाते हैं या उनकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो सबसे पहले हमने जो है क्लीन किया है आईब्रोज के एरिया को, और इसके बाद जो है क्लीन करने के बाद हम करेंगे मैपिंग का वर्क। सो अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे इस क्लाइंट की एज जो है वो है 57 ईयर ओल्ड। सो एलोपेसिया के क्लाइंट के लिए, ये पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आईब्रोज उनके नहीं हैं तो आप माइक्रो शेडिंग मेथड से हम जो है उनका वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम माइक्रो ब्लेडिंग यूज़ नहीं करेंगे, आज हम करेंगे माइक्रो शेडिंग का वर्क सिर्फ और सिर्फ बिकॉज माइक्रो ब्लेडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है। और अगर जिस प्रोसेस में आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली वहाँ पे हम जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, तो हमने बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। बट हमारी ये जो क्लाइंट है बाय गॉड गिफ्ट, इनको शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इनको जो है बीपी हाई की प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई मैंने इनका वर्क करने के लिए हाँ बोल दिया, ताकि कोई भी मेडिकल इशू जो है ना हो और उसकी वजह से हमारे क्लाइंट को किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सो इस तरीके से हम सबसे पहले मैपिंग करेंगे। और इस केसेस में सबसे प्रॉब्लम ये होती है बड़ी, कि मैपिंग बहुत ही मुश्किल से बनती है क्योंकि हमारे पास नेचुरल हेयर तो है ही नहीं, और नेचुरल जो है एक शेप क्या होनी चाहिए या क्या फेस पे सूट करेगी, सो वो सारी चीज़ें हमें डायग्नोज करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे जब जजमेंट की बारी आती है और मैपिंग की बारी आती है, सो हमें 2 से 3 टाइप की शेप्स अपने क्लाइंट को करके दिखानी पड़ती है और उसके बाद जाकर कहीं फिर हम वर्क स्टार्ट करते हैं जो उनके फेस पे सूट करे। और अब जो है हम एनेस्थीसिक क्रीम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारा ये जो एरिया है जहाँ जहाँ पर भी हमें माइक्रो शेडिंग माइक्रो नीडल के साथ, नैनो नीडल के साथ हमें काम करना है, तो उसमें जो है एरिया नम हो जाए और वहाँ पे जब हम वो वर्क करें तो हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन या फिर ब्लीडिंग ना हो। तो एनेस्थेटिक क्रीम अप्लाई करने के बाद इस तरीके से हमें फिल्म अप्लाई करनी है। ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है जिससे कि हमारी बॉडी हीट की वजह से जो हमारी क्रीम है बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे वर्क करेगी और विद इन 20 to 25 मिनट्स में हमारा ये एरिया सन हो जाएगा। टिल देन हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद जो है करना स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से वर्क। सो हमने टूथपिक की हेल्प से जो है प्रोडक्ट रिमूव कर दिया था, और सबसे अच्छी चीज़ मैंने हल्का सा पहले लगा कर देखा इसको कि ये वर्क कर रहा है हमारी क्लाइंट की स्किन पे या नहीं कर रहा है। सो इट इज़ वर्किंग, सो नाउ वी कैन डू प्रोफेशनली कि इसको हमें प्रिकॉशंस के साथ वर्क करना है। और मेक श्योर कि आप ग्लव्स ज़रूर पहने, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट टेस्टिंग के लिए अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो इट्स ओके, बस जैसे कि हम फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके ग्लव्स पहनने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब आप करते हैं रीफिलिंग या टच अप लास्ट में, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स नहीं वियर होते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग भी इस चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो क्लाइंट को पेन होता है या फिर हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस तरीके से स्ट्रेच कर करके हमें वर्क करना होता है अपने सारे के सारे वर्क को, और बट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ। एवरी क्लाइंट के ऊपर नीडल जो है एक फ्रेश नीडल यूज़ होती है, कभी भी रीयूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है प्रॉपर हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रख के वर्क करना है हमें, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारे क्लाइंट को या हमें जो है इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इट्स अ गुड सिम्टम और रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो चुका है। बट वन टाइम नीडल एप्लीकेशन के बाद जो है हम दोबारा से एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं, ताकि अगर हल्का सा कहीं पर भी कुछ फेड रह गया है या
हमारे कहीं पे नीडल ने वर्क नहीं किया है या लाइट वर्क आया, लाइट रिजल्ट आया, तो वहाँ पर हम एक दोबारा से टचअप दे सकें। सो दैट्स वाई मैं एनेस्थेटिक क्रीम को जो है 2 times अप्लाई करती हूँ। और गाइज, अगर आप भी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी अकेडमी न्यू दिल्ली में है, हमारे पास माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज एंड परमानेंट लिप कलर, इसके अलावा परमानेंट मेकअप की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, नेल्स की, आईलैशेस की और हेयर एक्सटेंशन की भी, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर हम बात करें कोर्स के हमारे कंटेंट की, तो हम इसमें माइक्रोब्लेडिंग में आपको सभी टाइप्स की नीडल की नॉलेज देते हैं, स्किन टाइप की नॉलेज देते हैं, कौन सी स्किन पर कौन सा वर्क जाएगा, माइक्रो नीडल्स में हम माइक्रोब्लेडिंग एंड माइक्रो शेडिंग और साथ साथ में ओम्ब्रे आईब्रोज की क्लासेस भी देते हैं और साथ में परमानेंट लिप कलर भी। और इसके अलावा जो है बेसिक वर्क होता है इसका, जैसे कि मैपिंग कैसे करनी है आपको, शेपिंग क्या होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों की भी फुल्ली प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा हम मॉडल्स भी अरेंज करते हैं आपके लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और उस कोर्स के कंटेंट में हम जो है ये सारी नॉलेज देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये अभी बूमिंग इंडस्ट्री है हमारी, सलोन इंडस्ट्री जो है। सो इसमें अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं हमारे पास आकर, तो डेफिनेटली हम आपको इसमें प्रॉफिट रेशियो कितना आता है, कितना आपके एक्सपेंस होते हैं, वो सारी नॉलेज भी देते हैं। क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सारी हम आपको इसमें नॉलेज देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना बिजनेस करना और ईजी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके विद गुड प्रिकॉशंस। सो इस तरीके से हमारी 1 time जो है, एक बार हमने माइक्रो नीडल चला चुके हैं माइक्रो शेडिंग के लिए, और अब बारी है इसके बाद दोबारा से वेट करने की। और वेट करने के बाद हम लास्ट एक टचअप देंगे। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है और ना ही हमारी क्लाइंट को पेन हो रही है। सो हमारा ऑलमोस्ट पूरा वर्क जो है हो चुका है कंप्लीट। और अब बात करें अगर हम इसके लिए प्रिकॉशंस की, कि क्लाइंट को प्रिकॉशंस क्या लेनी है कराने के बाद, सो एटलीस्ट 24 hours के बाद तक जो है इन्हें फेस वॉश नहीं करना है, दैट मीन्स आईब्रोज के ऊपर पानी अप्लाई नहीं करना है। और इसके बाद जो है एक आता है वाउंड रिपेयर लोशन, सो डे टाइम में जो है एटलीस्ट 3 times वो वाउंड रिपेयर लोशन ज़रूर लगाना है। और मेक श्योर कि आपको 1 week के लिए बहुत डार्क लगेगी, बट डेफिनेटली उसके बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, अपना पिगमेंट जो है ये छोड़ कर जाता है बिल्कुल नेचुरल। दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी माइक्रोब्लेडिंग के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और हो सके तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।